अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बैंक कर्मचारियों के दो दिवसीय हड़ताल ने व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन अटक गया है। आज केंद्र सरकार के 7 विभागों की 14 एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारियों ने संयुक्त धरना प्रदर्शन करते हुए देश बेचना बंद करो जैसे नारेबाजी की। बैंक कर्मचारी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ पिछले 2 दिन से हड़ताल पर हैं। देखिए, सरकार उन नीतियों को प्रयास क्यों नहीं करती है जिसके चलते कोविड जैसी वैश्विक महामारी में देश के चंद पूंजीपतियों की इनकम में अरबों खरबों का इजाफा हो जाता है, वहीं देश की आम मेहनत कर जनता 20 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर होती है। हमें ये बताते हुए दुनिया के कई पे रोक लगाओ, बेरोजगारी पे रोक लगाओ, बेरोजगारी पे रोक लगाओ। इस मौके पर यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के प्रतिनिधि ने यह जानकारी दी। शर्मा, हम लोग राष्ट्रीय जनसंघ मंच के बैनर तले जो मेरठ में सभी ट्रेडर्स का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है, जिसमें सेंटर ग्राउंड एम्प्लॉइज भी है, जिसमें सेंट्रल एम्प्लॉइज भी है, बैंक भी है, LIC भी है, GIC भी है, रेलवे भी है, पोस्टल भी है, रोडवेज भी है, हम लोग सारे लोग मिलकर कल और आज के 2 दिन की हड़ताल जो देश के 10 सेंटर ट्रेनिंग के द्वारा 250 से ज्यादा सेंटर ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट फेडरेशन के द्वारा आह्वान किया गया है। सरकार की नीतियों के खिलाफ जो सरकार अंधाधुंध निजीकरण करके देश के सरकारी संस्थानों को और जो पंचक्टर उनको खत्म करना चाहती है, उनको बेचना चाहती है, बैंकों को लेकर सरकार का ये नीति है कि IDBI बैंक लाओ तो बैंकों को बेचना चाहते हैं, सरकार का ये नीति है कि LIC का IPO लेना चाहते हैं, सरकार का ये नीति है कि जनरल इंश्योरेंस की कंपनी को बेचना चाहते हैं, सरकार का ये नीति है कि हिंदुस्तान में जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो गैस का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे चला रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट बिकने के बाद हो, उन सारे संस्थानों को सरकार एक नीति के अंतर्गत जिसको राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना कहा जा रहा है 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल के लिए लीज पे देके उनको खत्म करना चाहते हैं। उन नीतियों के खिलाफ हम लोग देश के पैमाने पे 2 दिन की हड़ताल ऑर्गेनाइज करके सरकार से ये बात कह रहे हैं कि देश की 135 करोड़ जनता को इन सार्वजनिक लोगों के द्वारा सरकारी संस्थानों के द्वारा 35% 40% के आसपास जो तमाम विकास योजनाओं में कंट्रीब्यूट किया जा रहा है उनको खत्म करने की जो साजिश की जा रही है, इस साजिश को रोका जाना चाहिए। आज भी देश के अंदर सरकार ने ये खुद बताया है कि कोविड के काल में 12 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी या गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। सरकार के ये आंकड़े हैं कि रोजगार नहीं दे पा रही है, प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? हम निश्चित तौर पर फिर से मिलेंगे और हम आगे की रणनीति को तय करेंगे और ये देखेंगे कि हड़ताल का क्या प्रभाव सरकार पे पड़ा है। तात्कालिक रूप से सरकार कल बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल को टेबल नहीं कर पाई है, पहले भी नहीं कर पाई थी। सरकार ये खुद बोल रही है कि पेंशन योजना में खामी है तो सुधार करने की बात कह रही है। कुछ राज्य सरकारों के द्वारा पेंशन नई पेंशन योजना को समाप्त किया गया है, राजस्थान ने समाप्त किया है, छत्तीसगढ़ ने समाप्त किया है, दूसरे राज्यों के द्वारा विचार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का वर्किंग क्लास मूवमेंट जो 1991 के बाद 21वीं हड़ताल को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।